हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास गाड़ी आया है, इटिका का है जो 2022 मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें गाड़ी में वाइब्रेट है और ये माल पंच की लाइट कंटिन्यू ऑन रहता है। तो हम चलिए देखते हैं, आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं इसमें कैसा प्रॉब्लम है। ये देखिए आपको आपको सुई दिखता हुआ हल्का अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहे हैं। देखिए नीचे गया, फिर ऊपर गया, वही सुई अप डाउन कर रहे हैं। तो हम चलिए आ गए हैं स्क्रीनर पे, डायरेक्ट हम कर लेते हैं कनेक्ट। इसे होता है कि सब भिन नंबर वो अपने आप ढूंढने लेते हैं। कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। याद आ गया, इंडियन मारुति। इसमें देखिए सभी आ गए हैं, मॉडल नंबर इसमें दिखाया हुआ, देखिए सिर्फ बिन नंबर आ गया है। डायग्नोस्ट न्यू ऑटोमेटिक, ओके इंडियन, इंडिया विदाउट कंट्री, हेल्थ रिपोर्ट। इसमें थोड़ा इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट आपको थोड़ी कट करके दिखाते हैं। ये देखिए आ गया है, इसमें इतने प्रॉब्लम है। तो अच्छी चीज़ देख करते हैं, इंटर बहुत से प्रॉब्लम है इसमें, ज़्यादा लगता है मिसफायर। ठीक है, मिसफायर का प्रॉब्लम है। एडिट फॉल्ट कोड, ये देखिए रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टिव, पता है सिलेंडर से कुछ प्रॉब्लम है। इसमें हुआ ये था कि गाड़ी कुछ देर कहीं गड्ढे में ठोकर मारा था, गड्ढे में ठोकर मतलब उसी समय से ये हो रहा था। तो हमको लगता है मिसफायर करता होगा, सिलेंडर में कुछ कपलर ढीला हो गया होगा, या तो वायर वगैरह और कहीं, या तो पाइप कहीं प्रॉब्लम हो गया होगा। चलिए तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट है, अभी तो लगता है गाड़ी ठीक ही चल रहा है। फिर चेक कर लेते हैं, ऑटोमेटिक ईसीएम, एडिट फॉल्ट कोड, लेकिन नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें, ख़त्म हो गया लगता है उसी। ये देखिए 4 नंबर इंजेक्टर का ही है कपलर, इसमें तो कुछ ढीला हुआ था, ढीला था तो उसको हमने टाइट कर दिया है, इसी कारण वो आ रहा था, ठीक हो गया। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दीजिए जरा। देखिए इंजन में कितना स्मूथ चल रहा है, और ये तो कुछ वाइब्रेट वगैरह भी नहीं हो रहा है, ठीक चल रहा है। दिखाते हैं, वाइब्रेट करा कर रही है, ऊपर नीचे करा लो। देखिए गाड़ी स्टार्ट है और लाइट उट भी कुछ नहीं जल रहा है, अभी बहुत स्मूथ गाड़ी चल रहा है, ठीक है।
थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।